हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम लोग बात करेंगे अ ग्रोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एम एच अब्राहम के। एम एच अब्राहम में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टर्म है जिसकी बात हो रही है, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। तो एब्सर्ड क्या है? एक तरह का ऐसा टर्म है जो कि ड्रामा एंड प्रोज फिक्शन से रिलेटेड है, और इसमें ज़्यादातर ह्यूमन की कंडीशन के बारे में बात की जा रही है, जो कि बताया जा रहा है कि ह्यूमन की कंडीशन किस तरीके से मीनिंगलेस है, नथिंग लेस है। एक तरह का बेतुकी बात इसमें की गई है, क्योंकि एब्सर्ड मीन्स क्या होता है? एब्सर्ड मीन होता है बेतुकी बात, जिसमें हम बकवास एक तरह से बात करते हैं। और इन 1896 एल्फर्ड जेरीज फ्रेंड्स प्ले ओबेरॉय एक तरह का इसमें द थियोरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग प्ले, एक तरह का इसमें प्ले से रिलेटेड ज़्यादातर बात की गई है। और ये जो है फिक्शंस में भी एक तरह का मूवमेंट चलाया गया था इन 1920 में, फ्रेंड्स काफ्का द ट्रायर एंड द मेटामॉर्फोसिस एक तरह का मूवमेंट चला था पहले फ्रांस में, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था 1945 में। कुछ ऐसे बेसिक बिलीफ और वैल्यूज के जो ट्रेडिशनल कल्चर था, लिटरेचर था, उसके अगेंस्ट। तो जो हॉलोकॉस्ट में हिटलर के राज में जब ज्यूज को किल्ड किया गया था, उसमें अशांति छाई हुई थी। और ये जो अब्सर्ड की बात की गई, सबसे पहले यूरोपियन राइटर्स ने इस पर काम किया, फिर उसके बाद अमेरिकन राइटर्स ने भी इस पर काम किया था। कुछ इसके फीचर्स हैं, जैसे इसमें नो प्लॉट, नॉट पर्पसफुल, नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, डायलॉग्स आर शॉर्ट एंड इनकोहेरेंट, एंडिंग इज अब्सर्ड विथ नो सोल्यूशन। तो बेसिकली इसमें कोई पर्पसफुल एक तरह से बात नहीं की गई, और इसमें क्या था कि कोई इसमें पर्पस ही नहीं था, कोई इसमें डायलॉग्स भी बहुत बेतुके उसमें लिखे गए थे, एंडिंग भी कोई मतलब ये नहीं कि हाँ सोल्यूशन इसका निकल गया तो चलो ठीक है एंडिंग हो गई, लेकिन इसमें एंडिंग भी बात नहीं की गई थी। तो जो इसको द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड जो है, एक तरह का ग्रुप था जो कि क्वाइन किया था मार्टिन एस्लिन ने। और मेन चीज़ ये कि जो एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी ऑफ मैन ऑफ लेटर्स सच ए जीन पॉल सार्ट्र एंड अल्बर्ट कैमोस, तो ये अल्बर्ट कैमोस जो हैं, इनको एक नोबेल प्राइज मिला था 1957 में। और ये सेकेंड यंगेस्ट मतलब एक तरह से राइटर थे। इनके दो वर्क्स बहुत फेमस थे, द मिथ ऑफ सिस्पियस और एक था द आउटसाइडर। तो द मिथ ऑफ सिस्पियस 1942 में आया था, इसको लिखा गया था फ्रेंच लैंग्वेज में। इसमें माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात की गई, और एक तरह से इसमें ये बताया गया कि एक तरह से जो आइसोलेटेड वर्ल्ड में जो कैसे लोग एक एलियन यूनिवर्स के थ्रू जो ह्यूमन रहते हैं, कि इनका कोई सच नहीं होता, कोई वैल्यू कोई नहीं होता, मीनिंग नहीं होता, मतलब वो जो एक तरह से काम करते हैं एक फ्यूचरिस्टिक मतलब जो मतलब बिना अपेक्षा बिना कर्म का फल किए हुए कि मतलब जो हो रहा होने दो कुछ भी, उसमें नथिंगनेस एक तरह से बात की गई, स्टुपिडिटी जैसे बकवास बात की गई। तो इसमें बेसिकली द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में यही कहा गया। इसमें एक लाइन है, इन अ यूनिवर्स दैट इज सडनली डिप्राइव ऑफ इल्यूजन एंड ऑफ लाइफ मैन फील लाइक अ स्ट्रेंजर। कभी कभी क्या होता है कि जब एक मतलब एक तरह से इल्यूजन दिखाई देता है या लाइट हमें दिखाई देती है, कभी कभी मैन एक तरह से अजीब तरह का बिहेव करता है। इरेमेडियल एग्जाइल, जिसका कोई उपचार नहीं होता। द डिवोर्स बिटवीन मैन एंड हिज लाइफ, द एक्शन, द एक्टर एंड हिज सेटिंग ट्रूली कंस्टिट्यूट द फीलिंग ऑफ एब्सर्डिटी। मतलब मैं आदमी की जिंदगी एक तरह से चलती है जैसे फिल्म के सेट पर चलती है, कि जिसका एंडिंग हो जाता है लेकिन उसका कोई सलूशन नहीं निकलता, और एक तरह से बकवास उसमें डायलॉग सीखे रहते हैं। तो उन सब की बात की गई इसमें जो लॉजिकल नहीं था। तो इसमें एंटी प्लॉट और डार्क ह्यूमर की बात की गई, जिसमें नो लॉजिकल टॉक की गई। इसमें यूजिनी आयोनेस्को
एक फ्रेंच ऑथर थे जिन्होंने दो वर्क वर्क लिखे, कई वर्क्स जैसे राइनोसेरोसिस द बाल सोपैरनो 1949 में आया था, द लेसन 1951 में। बहुत से प्लेस थे जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड के बारे में लिखा गया कि कट ऑफ फ्रॉम इज रिलीजन मेटाफिजिकल ट्रांजेशनल रूट मैन इज लॉस ऑल इज एक्शन बिकम सेंसलेस एब्सर्ड यूजलेस। उनका कहना था कि जब आदमी का एक धर्म से एक मानव जब अपने आप को हर चीज़ों से दूर कर लेता है तो भी वो उसका सेंस काम नहीं करता और वो एक तरह से बेतुका बात करता है। आगे उन्होंने कहा, पीपल ड्राउनिंग इन मीनिंगलेस कैन बी ग्रोटेस्क, देयर सफरिंग कैन ओनली अपीयर ट्रेजिक बाय डेरिशन। एक इसके बाद सैमुअल बेकेट आयरलैंड के एक राइटर थे जिनको 1969 में नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने अपने काफ़ी सारे प्ले जो है उन्होंने मतलब पेरिस में रहकर उन्होंने फ्रेंच में लिखना शुरू किया जिसको उन्होंने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। उनका उनका प्ले था वेटिंग फॉर गोडोट 1954 में आया था, एंड गेम 1958 में। वेटिंग फॉर गोडोट जो है एक बात करता है दो लोगों के बारे में जो अपने वेस्ट मतलब जगह पे खड़े हैं जहाँ पे उनको कोई उम्मीद नहीं है कि वो आइडेंटिफाई पर्सन को कि वो उनके काम आएगा कि नहीं आएगा। नथिंग हैपेंस, नथिंग कम्स, नथिंग गोज, इट्स ऑफुल। बेकेट ने प्रोसेक्शन में भी बहुत सारे लिखे, मैरोनी डाइस 1958, द अननेबेबल 1916, जिसमें उन्होंने एंटी हीरो के बारे में बात किया कि द हु प्ले आउट द एब्सर्ड मूव ऑफ द एंड गेम ऑफ सिविलाइजेशन इन अ नॉन वर्ल्ड विद टेंड टू अंडरमाइन द कोहेरेंस ऑफ इस मीडियम लैंग्वेज इट्सेल्फ। काफ़ी सारे फ्रेंच प्लेराइट ने जैसे जीन जेनेट ने अपने वर्क द बालकनी में उन्होंने एब्जर्डिज्म और डायबोलिज्म के बारे में बात किया। फिर हैरोल्ड पिंटर ने इसमें द बर्थडे पार्टी में भी बात किया। अमेरिकन एडवर्ड एल्बी ने भी सिमिलर मतलब मोड में काम किया, जैसे उन्होंने उनका वर्क था द जू स्टोरी हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। तो वर्जीनिया वुल्फ का टू द लाइट, मिसेस डेलवे, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की गई थी। और टॉम स्टॉपर्ट की जो रोसेनक्रांस एंड गिल्डेनस्टर्न आर रेड 1966 एंड ट्रेविसिटी 1974। जो टॉम स्टॉपर्ट का जो ये रोसेनक्रांस एंड गिल्डेनस्टर्न के बारे में बात की गई, ये हम देखते हैं कि शेक्सपियर के प्ले में इसके बारे में चर्चा की गई है। एक्सप्लॉइट द डिवाइस ऑफ एब्सर्डिस्ट थिएटर मोर फॉर कॉमिक देन फिलोसफिकल एंड, ज़्यादातर कॉमिक की बात की गई, मतलब बकवास चीज़ों के बारे में भी बात की गई और इसमें कोई फिलोसफिकल एंड नहीं था। दैट देयर आर ऑल्सो एफिनिटी विद दिस मूवमेंट इन मैनी वर्क दैट एक्सप्लॉइट ब्लैक कॉमेडी ब्लैक ह्यूमर। ब्लैक ह्यूमर के बारे में बात की गई जिसमें कि जो कैरेक्टर है वो एक तरह का मतलब उसको कुछ पता नहीं कि उसको क्या करना है मॉडर्न वर्ल्ड में। और बाकी इसमें और राइटर्स हैं जैसे जोसेफ हैरल का कैट 22, थॉमस पाइनकॉन 5, जॉन इरविन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गैल। तो बाकी ये सारे राइटर्स हैं जिन्होंने एब्सर्ड थिएटर के बारे में बात किया था। बाकी ब्लैक कॉमेडी और ब्लैक ह्यूमर के बारे में आगे भी डिस्कशन होगा आगे आने वाले टर्म्स में, लेकिन ये एक तरह की इमेजिनेशंस है, फैंटास्टिक है, जो कि नाइट मैरिज मॉडर्न वर्ल्ड में आजकल लोग बात कर रहे हैं। और इसमें आयोनेस्को राइटर जो हैं सबसे बड़े फेमस राइटर हैं, फिर सैमुअल बेकेट हैं जिनके वर्क्स हैं, और हैरोल्ड पिंटर। बाकी और भी राइटर्स हैं जैसे स्टैनली क्यूब्रिक्स डॉक्टर स्ट्रैंगलर 1964 इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लैक कॉमेडी इन द सिनेमा। इसमें ज़्यादातर हमें यही जानना है कि एब्सर्ड क्या है। एब्सर्ड मीन मीनिंगलेस नथिंगलेस इन अ लाइफ, यानी कि इंसान के जब आइसोलेटेड रहता है तब उससे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और क्या ना करे, तो वो बहुत ही उस समय बहुत ही बेतुकी बात करता है और जिसमें मतलब उसका सेंसलेस एक तरह से रहता है कि वो क्या बात करे क्या ना करे, ठीक है। तो और इसमें ज़्यादातर हमें बस यही जानना है कि एब्सर्ड क्या है। Who coined the term the theater of the absurd? तो ये मार्टिन
एस्ली ने किया था, और जो एब्जर्ट वर्ल्ड को किसने टर्म को डिराइव किया था, एल्बर्ट कॉमस ने, जिन्होंने द मिथ ऑफ सिसिपियस दिया था। बाकी आई होप यू लाइक दिस, सो थैंक यू।